चलो बच्चा, तो अभी नया समय एक स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन थोड़ा अच्छा है। एक बिल्डिंग पे फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है, तो उसको कैसे कैलकुलेशन करना है, क्या ध्यान में रखना है, वो ध्यान से समझते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रॉपर समझते हैं। अ फ्लैग स्टाफ इज अ प्लेस ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। तो सबसे पहले बोला हुआ है कि एक बिल्डिंग है बच्चा, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ये थोड़ा बिल्डिंग कर लेते, ये बिल्डिंग है और उस पर हमारा एक फ्लैग स्टाफ रखा हुआ है। आगे चलते हैं, मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ, बेस से वो 25 मीटर दूरी पे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ ये यहीं कहीं है बेस से कुछ इतनी दूरी पे, तो 25 मीटर हमें दिया हुआ है। अभी समझना, वो बोल रहा है बेस ऑफ अ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बोला हुआ है, तो कुछ इस तरह होगा। और उसके बाद बोल रहा है द टॉप ऑफ अ फ्लैग स्टाफ इज टू बी 45 एंड 60। तो ये जो बोल रहे हैं यहाँ पे जो होगा वो 60 होगा, आप बोलोगे 45 होगा क्योंकि पहला जो है वो 45 और दूसरे पे यहाँ पे टॉप ऑफ आप बोलोगे फ्लैग स्टाफ वो कितना होगा 60। तो यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान में रखना है बच्चा, थोड़ा ये एंगल बड़ा हो रहा है लेकिन चलेगा, समझ में आना चाहिए। आगे चलते हैं, फाइंड आउट द हाइट ऑफ अ फ्लैग स्टाफ फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ जो है हमें फ्लैग स्टाफ की हाइट ढूंढनी है। तो सबसे पहले शुरू करते ए बी सी डी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आप लिखोगे ए बी जो है वो हाइट ऑफ अ फ्लैग स्टाफ है, वो हमें ढूंढना है, क्लियर है। इसके बाद आप बोलोगे सर बी सी जो है वो हाइट ऑफ अ बिल्डिंग लिखोगे, वो हमें नहीं पता इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। और आप बोलोगे डी सी जो डिस्टेंस फ्रॉम द पर्सन एंड बिल्डिंग का डिस्टेंस जो है वो लिखेंगे। इतना होने के बाद बच्चा सबसे पहले स्टार्ट जो करते हैं हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल बी सी डी, यहाँ पे ध्यान में रखना है ये 90 डिग्री है, वो ध्यान में रखना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल बी सी डी। तो आप बोलोगे सर हमें जो इन्फॉर्मेशन जो है उसके हिसाब से कौन सा अप्लाई होगा। तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला बहुत सिंपल है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होगा 10 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो परपेंडिकुलर है वो बच्चा हमारा है बी सी और जो बेस है वो डी सी। तो 10 45 की वैल्यू आपको पता ही होगी बच्चा कितनी होगी, 1 होगी, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। बी सी जो है वो तो हमें नहीं पता लेकिन डी सी हमें पता है 25, ये डी सी की वैल्यू हमें पता है 25, सामने ले लेंगे तो 25 इज इक्वल टू बी सी और हमारा एक जो पॉइंट है वो बी सी की वैल्यू आ गई। अभी आप बोलोगे सर अभी दूसरा एक ट्राइंगल लेते हैं, यहाँ पे जो ट्राइंगल है वो कुछ इस तरह है इन ट्राइंगल ए सी डी। ए सी डी बड़ा वाला ट्राइंगल है, ध्यान से समझना। इसमें आप बोलोगे सर इसमें भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेंगे, तो आप बोलोगे 10 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर जो हमारा होगा वो ए सी एंड जो बेस है वो डी सी। जो 10 60 है बच्चा उसकी वैल्यू आपको पता है रूट थ्री, क्या होगी बच्चा रूट थ्री। तो यहाँ हमने रूट थ्री लिख दिया और यहाँ पे एक वैल्यू उन्होंने नहीं लिखी, रूट थ्री इज इक्वल टू 1.73 ये वैल्यू होगी। ये आपको भी धीरे धीरे याद रह जाएगी क्योंकि हमने बहुत सारे समय ये वैल्यू यूज की है। आगे चलते हैं बच्चा, तो आप बोलोगे ए सी सर हमारा कुछ भी पता नहीं है लेकिन ए सी की जगह हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, तो हमने लिखा ए बी प्लस बी सी और यहाँ पे डी सी का एज इट इज डी सी ही लिख दिया। आगे चलते हैं रूट थ्री, ए बी तो हमें ढूंढना है, बी सी हमें पता है, बी सी हमने ढूंढ लिया कितना 25 और आप बोलोगे सर डी सी भी हमें पता है 25, 25 को सामने की ओर ले जाते हैं तो रूट थ्री इंटू 25 इज इक्वल टू ए बी प्लस 25। ये स्टेप होते ही आप बोलोगे सर अभी 25 को दूसरी साइड ले जाते हैं, तो हम लिख सकते हैं 20 पहले लिखेंगे रूट थ्री 25 माइनस 25 इज इक्वल टू ए बी।
तो अभी थोड़ा आगे चलते हैं, 25 को कॉमन में निकाल देते हैं। तो आप बोलोगे कुछ इस तरह होगा, 25 कॉमन निकल गए तो √3 - 1 इज इक्वल टू AB। अभी आप बोलोगे √3 की वैल्यू हमें पता है सर, तो उसका यूज करते हैं। तो आपके हिसाब से यहाँ आ जाएगा 1.73 - 1 इज इक्वल टू AB, 25 × 0.73। तो बच्चा मल्टीप्लाई करोगे तो 18.25 AB। जो AB होगा, हमें सीधा यही पॉइंट मिल गया, AB जो क्या था, हाइट ऑफ फ्लैगस्टाफ था, वो हमें मिल गया। इसके साथ बच्चा हमारा सम तो खत्म हो गया, लेकिन स्टेप सम जो हमने कैसे सॉल्व किया है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बच्चों को मुझे बहुत सारे वो फीडबैक मिलता है कि सर हमें फिगर ड्रॉ करने थोड़ी कम समझ में आती है। तो बच्चा वो देखो सर ने स्टार्टिंग कैसे किया, कैसे स्टेप बाय स्टेप सर सॉल्व कर रहे हैं, कहाँ से शुरू कर रहे हैं। दो बार बच्चा देखोगे तो आपको कंसेप्ट क्लैरिटी आ ही जाएगी, इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो बच्चा यहीं हम लेक्चर ख़त्म करते हैं, प्रॉपर नोटबुक में लिख लो, इसके टाइप के सम आपको आगे पीछे मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, हमने प्रॉपर तरीके से ये स्टेप बाय स्टेप सम करवाए जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। बच्चा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।